नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। स्वच्छता व सौंदर्य का प्रतिमान बने गोरधोइया नाला, सीएम योगी ने किया गोरधोइया नाला का निरीक्षण। कहा नाले के अंतिम छोर पर बनाए छोटा तालाब व वाटर स्पोर्ट्स बॉडी। नाले में कूड़ा न फेंकने के लिए नागरिकों को किया जाए जागरूक। नाले के दोनों किनारे पर बोल्डर पिचिंग व दोनों तरफ बनने वाली सड़क पर पौधारोपण कराने के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के ऊपर एटीएस ने लगाया यूएपीए। मुर्तजा को एटीएस ने शनिवार को रिमांड खत्म होने के बाद गोरखपुर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने मुर्तजा अब्बासी को भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल। कोर्ट ने केस को लखनऊ एनआईए कोर्ट में किया ट्रांसफर। अब एनआईए मुर्तजा केस की करेगी जाँच व एनआईए कोर्ट करेगी सुनवाई। अगले सत्र से शुरू हो जाएगी गोरखपुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई। सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा निर्धारित समय सीमा मार्च 2023 तक हर हाल में पूर्ण करें निर्माण। दिए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही सरकार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ज्योतिष व आयुर्वेद का है परस्पर गहरा संबंध। आयुर्वेद व ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने को खोले जा रहे हैं नए संस्थान। गोकसी के लिए ले जा रहे 27 गौवंश को चौरी चौरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया बरामद। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। अंतरजनपदीय मोबाइल पर्स चैन लूट करने वाले दो शातिर लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 6 मोबाइल, मंगलसूत्र व लॉकेट किया बरामद। सीओ कैंट ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा अधिकतर मामले आए पुलिस व भूमि विवाद से संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर एक हफ्ते में निस्तारण के दिए गए निर्देश। महिलाओं में जागरूकता के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत एसपी क्राइम की अध्यक्षता में एक मॉल में कार्यक्रम आयोजित कर डायल 112 वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में महिलाओं को दी गई विस्तृत जानकारी। साइबर क्राइम से बचाव के लिए किया गया सतर्क। कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में निकाली गई भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा चैत्र पूर्णिमा के दिन पूरे हिंदुस्तान में निकाली जाती है भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा। नगर निगम के कार्यकारिणी समिति की 20वीं व 21वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया नगर निगम का पुनरीक्षित बजट। सर्वसम्मति से आगामी नगर निगम के सदन की बैठक में प्रस्ताव प्रेषित करने पर बनी सहमति। आग की वारदातों को देखते हुए फायर विभाग पूरी तरह से है सतर्क। मॉक ड्रिल कर आग से बचने के तरीके की दी जा रही है जानकारी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा आग से बचने की सतर्कता का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में कैरियर इन काउंसलिंग की कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा किस तरह से छात्र एवं छात्राएं बना सकते हैं अपना कैरियर, इस पर हुई चर्चा। और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन। हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा हनुमान जी हैं प्रत्यक्ष देवता, इनका पूजन करने से सबका होता है कल्याण। अब खबरें विस्तार से। दशकों तक उपेक्षा और गंदगी का पर्याय बन रहा गोरधोइया नाला स्वच्छता, जल निकासी की सुविधा और सौंदर्य का प्रतिमान बने। हमारी कोशिश अब इस दिशा में होनी चाहिए।
नाले की तल्लीझार सफाई, दोनों तरफ सड़क निर्माण और पौधारोपण का काम करवाने के साथ ही अधिकारी नागरिकों को इस बात के लिए भी जागरूक करें कि नाले में कूड़ा ना फेंका जाए। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार अपराहन गोड़धोया नाला के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कही। चार फाटक ओवरब्रिज के समीप बिछिया मोहल्ले में गोड़धोया नाले का अवलोकन व यहां चल रहे सफाई कार्य का जायजा लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस नाले के सुंदरीकरण का प्रोजेक्ट महानगरवासियों के लिए कई माने में महत्वपूर्ण है। नाले के कायाकल्प के बाद महानगर में 50% आबादी की जल निकासी की समस्या का समाधान हो जाएगा, साथ ही यह शहर के खूबसूरत स्थलों में भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि नाले के दोनों तरफ पक्की सड़क बनाई जाए और सड़कों के किनारे पर्याप्त पौधारोपण कराया जाए। सीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि नाले के दोनों किनारे बोल्डर पिचिंग कराएं ताकि बरसात में पानी का फ्लो अधिक होने पर कटान ना होने पाए। उन्होंने प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए कुछ स्थानों पर जालियां भी लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे आवश्यक है कि हम नागरिकों को भी लगातार जागरूक करते रहें कि वह अपने घरों का कूड़ा नाले में ना फेंकें। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि नाले के दोनों तरफ 7-7 मीटर की पक्की सड़क बनाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस नाले का कायाकल्प 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर कराया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोड़धोया नाला का रूट मैप भी देखा और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने बताया कि 9 किलोमीटर की लंबाई वाले इस नाले की 6 पोकलेन मशीनों से सफाई कराई जा रही है। काफी कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्यों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नगर आयुक्त व अन्य अधिकारियों से जानकारी लेने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि नाले के अंतिम छोर पर जहां वह रामगढ़ताल में मिलता है, वहां एक छोटा तालाब भी विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नाले के अंतिम छोर पर ही बच्चों व युवाओं के मनोरंजन के लिए वाटर स्पोर्ट्स बॉडी भी बनाने की दिशा में काम करें। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, कमिश्नर रवि कुमार एनजी, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा आदि मौजूद रहे। गोड़धोया नाले के निरीक्षण के अवसर पर मुख्यमंत्री की नजर नागरिकों व बच्चों के समूह पर पड़ गई। निरीक्षण करते हुए वह नाले पर बने पुल के दूसरी तरफ पहुंचे और नागरिकों से संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना। वहां मौजूद 2-3 बच्चों से उन्होंने उनका नाम पूछा और सवाल किया, स्कूल जाते हो या नहीं। एक बच्चे ने उन्हें बताया कि स्कूल में दाखिला नहीं हुआ है। उसने भावुकतापूर्ण अंदाज में यह कहा, महाराज जी हमारा मकान नहीं है। सीएम योगी बेहद संजीदा हो गए और बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, चिंता मत करो, हम मकान भी बनवाएंगे और स्कूल जाने का इंतजाम भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद स्थानीय पार्षद को उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने का निर्देश दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, ये वाला जगह है यहाँ से इतना दुखा नाला है। सरकारी बिल्डिंग छाइए सर, किनारे थोड़ा आप हट जाइए, आप हट जाइए। ये नाला चल रहा है, कल एक बार हमारा रामगढ़ ताल है, रामगढ़ ताल जो है ये हमने सर जो होता है। कौन है यहाँ का पार्षद? खड़े पार्षद जी आइए भाई, ये यहाँ से हम चले राकेश के इधर। और आज के दिन कौन है आप? पार्षद है, पार्षद है इधर। थोड़ा पीछे आ जाए, थोड़ा पीछे आ जाए।
सर, ये रामगढ़ ताल है सर, ये आरटीबीसी जो पुलिया वाला है पाला इसके साथ सर, हम यहाँ से चल रहे हैं सफाई करते हुए सर, नहीं सर फिर यहाँ से हम चले सर हैं ये सर, यहाँ पर हमारा जो छावनी फिर यहाँ से हम चलते हुए ऐसे आ रहे हैं सर, ये तीसरी हमारी पोखरण मशीन यहाँ पे लगी हुई है, ये बिछिया पुरी यहाँ पे खड़े हैं सर, फिर सर जब इससे आगे चलेंगे तो पीएससी वाली बिछिया है सर वहाँ से, फिर मैत्री फोरम सर, जेल बाईपास समय यहाँ पे ये यहाँ पे है ना सर, पोखरण मशीन बड़ी वाली सर, और फिर हम जेल बाईपास कहाँ तक आ गए हैं हम तक, हम लोग सर इस पर चल रहे हैं सिवापुर वाला है ये आ रहा है यहाँ तक सर, ये सर जो हरा वाला प्रांत सर हम दिखा रहे हैं, दिखा हुआ है पोखरण मशीन पूर्ण हो चुका, यहाँ तक पूर्ण हो चुका ये, ये अभी बाकी बीच वाला बीच में सब कुछ पोर्शन जो ऐसा है सर जिसमें कि हमको मजबूर की तरह काम करके वहाँ पोखरण मशीन से नहीं जा पाती है सर, तो हम मैनुअली काम करा रहे हैं, छः पोखरण मशीन लगाई है जो कि हमें सर बाहर से मंगाई है। और कितना किलोमीटर है ये? ये सर 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर तो ये 9 किलोमीटर आपको फिर नाला बनाएंगे इस पे, नाला के दोनों तरफ सड़क दे देंगे, सड़क किलोमीटर आप देखेंगे इधर 20 मीटर 7 मीटर सड़क दोनों सफाई भी हो जाएगी, लोगों का हो जाएगा, रिवर फ्रंट रिवर फ्रंट रिवर आइडिया डेवलप हो जाएगा सर, ठीक है। अच्छा इसमें सर क्या भाई पंडित जी क्या हाल चाल है, आने दो भाई, कहीं छोड़ रहे हैं थाने छोटा कितने हो रहा चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो आप ये पूरा जो हमने आपसे कहा था सर ये पूरा भरा हुआ था वो वाला पूरा भरा बस बीच में खाली था दोनों एकदम रात से पूरे लगा लगते थे पूरा वहाँ मोटर से पीछे को रखते हैं साथ ही ऐसे भी दुकान है इसी तरह पूरा आसी सीधा है बन जाएगा पीछे लाइनिंग भी बन जाएगा लेके चल रहे हैं इसी पे तो वो बने काफ़ी है और काफ़ी ज़्यादातर जगह हमने हेल्प कर लिया सब पुलिस भाई हर बार अनिल भाई अरे मेरे भैया तो इसी प्रकार से प्लास्टिक कूड़ा खाने में सिर नहीं रहा और कुछ एक पानी की मेरी कैसे करना कि अरे ये मरवा इन करा लोगों ने कहा लोग खाने में सीधे होने के हम लोग लैंडस्केपिंग की तरह 15 साल सब रहे अब जोड़ेंगे इस खाने में पानी आ सके इसके लिए कमिटिंग नहीं होगा निरीक्षण कर रहे हैं इसके डेवलपमेंट शुरू कर रहे हैं इस तरह से वो संवेदनशील है और चाहते हैं कि गोरखपुर में जो जलवायु की समस्या होती है वो कम हो और इसी के सुदृढ़ीकरण इसी के चलीकरण और इसी के फलीदार सफाई कामयाबी इसके एक तरफ सड़क बनाई जाएगी उससे लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी हो जी रहे हो चलो आ जाओ नहीं जाएंगे भाई जाता है क्या नाम है पीछे आइए सबका बनेगा देखिए बजा चलिएगा अभिनव जी पीछे आइए बहुत अच्छा ही हो रहा है टीवी पर से हट जाओगे हम लोग बढ़ जाए
भाई यहाँ से सामने से अभी सफाई हो रहा है राजीव थोड़ा पीछे कूड़ा ना गिरे आगे से इस बात को ध्यान रखना चाहिए। डस्टबिन पुल के किनारे किनारे रखना पड़ेगा, सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। रोपण हो जाएगा बरसात के बाद इसको पक्का बनवा देंगे वो थोड़ा ये हो जाएगा अच्छा होगा। बड़े बड़े डस्टबिन बनाने और थोड़ा आपने सॉलिड वेस्ट स्टैंड भी दिया है इसका काम तेजी से चल रहा है, निकासी भी है अभी। डोर टू डोर कनेक्शन के टेंडर भी होंगे और उसका चार पांच बड़ी कंपनियां भी उसमें आएंगी ठीक है। रेलवे का काम अपना खुद सारे लेकिन आप लोग अपना काम करें, साफ सफाई की भी होगा अभी अंतिम निकासी है इसे प्लेटफॉर्म नहीं माने वहाँ पे जब दूरी खींचे रेलवे लाइन के बाद रेलवे लाइन के बाद और आरकेपी के बीच का जो पोर्शन में एक छोटा पॉन्ड बन सकता है उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। उसमें जल कुंभी निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा है, प्लानिंग हो जाए उसकी रोटी कम से अच्छा है बन सकता हो तो और प्लानिंग उसकी की जा सकती है। पूरा जल कुंभी है मंडा बोल इसको क्या करेंगे सबका तला दिखाएंगे अंदर थोड़ा डाल देंगे इससे कि खाद बनेगी आगे वाला चलवाएगा आगे वाला जो बनने पर दबरा हो गया सब कहीं तालाब भरने के लिए भी नहीं है निकासी कहीं करना लगा के कुटाई करना क्या है बताइए कहाँ लड़का है हमारा जी पूरा उधर उधर इधर है को लेकर विवाद तो नहीं हो रहा दोनों अभी नास्तिक हो गए इक्कीस मार्च से गुड़दैया नाले की तलीझाड़ सफाई का कार्य चल रहा है और इस नाले की सफाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और उनके मार्गदर्शन में चल रहा है। इसमें लगभग 19 जो है बड़ी गाड़ियां लगाई गई हैं जिसमें पोकलेन बड़ी पोकलेन छोटी पोकलेन हाईवा जेसीबी आदि लगाई गई हैं। तो इसमें जो 9 किलोमीटर इसकी की लंबाई है पूरी तलीझाड़ सफाई का काम जो 70% पूरा हो चुका है, 3% काम और अभी बचा हुआ है। इसमें हम लोगों ने जहां मैन्युअली करा रहे हैं जहां मशीन से करवा रहे हैं इसके साथ साथ कुछ जगहों पर जो कि
बंडा के प्लांट्स हैं, जलकुंभी हैं, उनको हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो यहाँ के पार्षद जी हमारे हैं और उनकी जो टीम है मल्लाह साथियों की, उनकी 10 से ऊपर नाव को हमने लगा रखा है और उसके माध्यम से निकलवा कर पोकलेन मशीन से हाईवा के माध्यम से इसको हम लोग एकला बंदा भिजवा रहे हैं। निश्चित रूप से जो पिछली बार वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हुई थी उसमें इस नाले में जो पानी था पूरी तरह से निकल नहीं पा रहा था और इसी वजह से ओवरफ्लो हुआ और पानी आसपास के मोहल्लों में भर गया। इसकी सफाई जल्द तलीझाड़ सफाई हो जाने से कम 25-30 वार्डों को फ़ायदा पहुँचेगा और निश्चित रूप से इस बार जो है पानी लगने की जो समस्या है वो नहीं होगी। महाराज जी ने गुड़दैया नाले का निरीक्षण किया है और 1,000 करोड़ का बजट है, नाला बनेगा और दोनों तरफ सड़कें बनेंगी, ये गोरखपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और इससे शहर के वाटर लॉकिंग की समस्या शीघ्र ही दूर होने वाली है। महाराज जी के संज्ञान में जैसे ही आया इन्होंने इससे स्वीकृति करा दी है, टेंडर हो गया और जल्दी इस प्रकार क्रम शुरू होगा और गोरखपुर वासियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी की रिमांड खत्म होते ही एटीएस ने मुर्तजा को दीवानी न्यायालय के एसीजीएम फर्स्ट दीपक नाथ मिश्रा के कोर्ट में पेश किया। यूपी एटीएस ने उसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्यवाही की है। उसने मुर्तजा को आतंकी संगठन का सदस्य बताया है और बताया कि मुर्तजा सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था। एटीएस ने मुर्तजा का केस लखनऊ ट्रांसफर कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अदालत ने केस को एनआईए को कोर्ट लखनऊ में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुर्तजा को 30 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच मुर्तजा अब्बासी को जिला कारागार में भेज दिया। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मंदिर में जनता के सहयोग से उसको पकड़ लिया था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर तो केस दर्ज करके 4 अप्रैल को उसको कोर्ट में पेश किया और कस्टडी रिमांड मांग लिया, जिसकी रिमांड 11 अप्रैल को खत्म हो गई, जिसके बाद एटीएस ने केस को अपने अंडर में लेने के बाद मुर्तजा को दोबारा कोर्ट में पेश करके रिमांड बढ़ाने की अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने 16 अप्रैल तक रिमांड को बढ़ा दिया था। शनिवार को मुर्तजा अब्बासी की रिमांड खत्म होने से पहले ही एटीएस ने उसको न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी और एनआईए कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। गोरखपुर के
के सैनिक स्कूल में अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सत्र प्रारंभ होने से पहले निर्माण कार्य पूर्ण हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार दोपहर बाद गोरखपुर के निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण की स्थलीय प्रगति जानने के साथ इसके मैप को भी देखा और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए तय समय सीमा में पूर्ण हो, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। खाद कारखाना परिसर में बन रहे सैनिक स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह स्कूल गोरखपुर समेत समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश का गौरव बनेगा। किसी भी क्षेत्र में सैनिक स्कूल का होना बड़ी उपलब्धि होती है। इस स्कूल में दाखिले के साथ छात्रों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ते हुए देश सेवा का अवसर मिलने लगे। इसके लिए हमारी हर हाल में कोशिश होनी चाहिए कि अगले शैक्षिक सत्र में यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्माण कार्य को मार्च 2023 तक अवश्य पूरा करना है। सीएम योगी ने कहा, सैनिक स्कूल के एकेडमिक भवन, बालक व बालिका छात्रावास को शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि यहां का कैंपस भारतीयता की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद समेत कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। गोरखपुर का सैनिक स्कूल खाद कारखाना परिसर में आवंटित 50 एकड़ भूमि पर बन रहा है। इस सैनिक स्कूल का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई 2021 को किया था। युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा के ध्येय से निर्माणाधीन इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान की जाएगी। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कैंपस होगा। स्कूल का प्रशासनिक भवन प्राचीन भारतीय संस्कृति व परंपरा का दर्शन कराने वाला होगा। यहां बनने वाले हॉस्टल राष्ट्र नायकों के नाम से समर्पित होंगे। साथ ही कैंपस के अलग अलग स्थानों का नामकरण सेना के जांबाजों के नाम पर किया जाएगा। सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के खेल कूद की गतिविधियों के लिए खेलों के कई कोर्ट व मैदान भी विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्योतिष व आयुर्वेद के बीच परस्पर गहरा संबंध है। ये दोनों प्राचीनतम भारतीय ज्ञान परंपरा की धाती हैं। सरकार इस भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने को हर संभव प्रयास कर रही है। आयुर्वेद व ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थान खोले जा रहे हैं। गोरखपुर में महायोगी गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय और वाराणसी में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना इसी की कड़ी है। सीएम योगी शनिवार शाम गोरखपुर में एक मीडिया संस्थान की तरफ से आयोजित ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयुर्वेद एवं ज्योतिष के परस्पर संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारी भारतीय मनीषा में वनस्पतियों से औषधि एकत्र करने और औषधियों को रोगी को देने का भी मुहूर्त तय होता है। इस संबंध में उन्होंने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के इलाज से जुड़ा एक संस्मरण भी सुनाया। साथ ही रामायण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उन्होंने भी वैद्य सुसेन से विशेष मुहूर्त का ज्ञान कराया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद और ज्योतिष के अपने प्राचीनतम ज्ञान की जब हम अपने अनदेखी की तो हम पिछड़ने लगे। हमने आयुर्वेद को दवा की पुड़िया तथा ज्योतिष को भाग्य देखने तक सीमित कर दिया। सीएम ने कहा कि हमारी भारतीय मनीषा कर्म प्रधान है। कर्म सकारात्मक होगा तो भाग्य प्रबल होता जाएगा। आज दुनिया हमारी परंपरा व विद्या के रूप में भारतीय मनीषा की ज्योतिष आयुर्वेद आदि विधाओं के बारे में जानने को उत्सुक है। सीएम योगी ने कहा कि जब सकारात्मक शक्तियां एक साथ मिलकर काम करती हैं तो परिणाम भी सकारात्मक आता है। 21 जून को मनाया जाने वाला विश्व योग दिवस इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के हमारे प्राचीन ज्ञान को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाया है। सकारात्मकता के साथ 2019 में हुआ प्रयागराज कुंभ का आयोजन स्वच्छता व सुव्यवस्था का पर्याय बना। अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे यूनेस्को से मान्यता मिली। अपनी प्राचीनतम ज्ञान की थाती को हमें इसी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हुए कार्य की सराहना करते हुए
हुए कहा कि यूरोप और अमेरिका की तुलना में कमजोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भारत का कोरोना प्रबंधन विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहा। भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। अमेरिका की आबादी भारत की चौथाई है, फिर भी वहाँ अपने देश की तुलना में दोगुनी मौतें हुई। भारत ने न केवल वैश्विक महामारी का सफल नियंत्रण किया, बल्कि महामारी के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं होने दी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। यही नहीं, मुफ्त जांच, इलाज व वैक्सीन की सुविधा देने वाला भारत दुनिया का एकलौता देश है। तो भारत तक होने में जब हम बात करते हैं ज्योतिष और आयुर्वेद की, यह भी इसी अपरा विद्या का ही भाग है, उससे अलग नहीं है। और उस अपरा विद्या का भाग होने के नाते हम जब इसकी जानकारी रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखेंगे, इसमें पारंगत होंगे, तो ही पराविद्या में हम पारंगत हो पाएंगे, यानी अध्यात्म में हम पारंगत हो पाएंगे। ब्रह्म विद्या की जानकारी हमें हो पाएगी और ब्रह्म विषय रहस्यों को समझने और जानने की ताकत हमारे अंदर पैदा हो पाएगी। गोरखपुर इस दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन साधना स्थली है। अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने इतने रहस्य दिए, आज भी सामान्य लोगों के लिए वही रहस्य बहुत और आश्चर्य का विषय में डाल देते हैं, लेकिन जिसने उस विषय को पूर्ण अध्ययन किया है, उस विषय के बारे में जाना है, वह वाहिनी गोरखनाथ को भी जान लेता है। परा विद्या की भूमि भी गोरखपुर है। और संयोग से अभी यहां पर अमर उजाला के संपादक से हरीश चंद जी कह रहे थे कि गोरखपुर में ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, वो पहले ही हो चुका है। लोगों ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी दे दिया है और इसका सत्र इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। यानी हम पराविद्या पर तो पहले से कार्य कर रहे थे, लेकिन पराविद्या सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा। यद्यपि भारत के लोगों के लिए बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हम तो जन्म से ही इसके साथ जुड़े होते हैं। हमारे यहां तो जन्म से ही हमें यह माना जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है। यानी यहां हम ही लोग बोल सकते हैं, दुनिया में कोई और नहीं बोल सकता है। हमने हर अक्षर को मंत्र माना है, हमने हर वनस्पति को औषधि के रूप में माना है। और लेकिन उस पराविद्या के बारे में जानकारी देने के लिए, यानी उस भौतिक ज्ञान, उस आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी देने के लिए हमें अपराविद्या में जाना पड़ेगा। और अपराविद्या के लिए ही ये सारे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। भारत में शिक्षा की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना कुछ भी है, ये सब इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रस्तुत की गई है। स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में जब हम लोगों ने हमारे जितने भी आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं, इन सभी प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद की जब चर्चा होगी, तो आयुर्वेद के साथ ज्योतिष को भी कहीं ना कहीं जोड़ करके उसके साथ जोड़ा गया है। लेकिन जब हमने उसकी अनदेखी की, तो क्या स्थिति हुई, हम पिछड़ते गए, हम उससे हटते गए। और क्या हो गया, आयुर्वेद को केवल हम लोगों ने पूर्णिया तक सीमित कर दिया और ज्योतिष को केवल अपने भाग्य को देखने तक सीमित कर दिया। कौन ऐसा भारतीय परिवार है जो अपने आप कोई भी मानसिक कार्यक्रम अंग्रेजी लिपि से करता हो? कोई नहीं करता। सभी लोग पंचांग देखते हैं, पंचांग के बगैर अपने आप कोई भी शुभ मानसिक मुहूर्त नहीं निकालता। उसने अपने भाग्य को देखने के लिए नहीं किया। आज होता क्या है, हम केवल अपने भाग्य को देखने के लिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं और बाकी अपने यहां जब अवसर पड़ता है, तो अवसर आने पर फिर हम लोग मुहूर्त देखने के लिए
ज्योतिषाचार्य के पीछे भागते हैं कि कब हमारे यहाँ एक रोड तो पड़ेगा, जबकि सारे कार्य, सारे पर्व, सारे त्योहार, सारे मांगलिक कार्यक्रम ये सभी हमारे पंचांग की तिथि के अनुसार ही होते हैं, ज्योतिष की द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार ही हम आयोजित करते हैं, उस मुहूर्त में उसको आयोजन करते हैं। आप देखते नहीं कभी कभी अंग्रेजी तिथि में और हमारी पंचांग की तिथि में ये अंतर आता है, क्योंकि वहां तो उनका एक सीधे चलावा रहता है, वहां कोई प्रेकर नहीं है, वहां उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं, उनको ग्रह नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो ये हो सकता है कि साथ अगर पूर्णिमा आज 16 अप्रैल को हो गई तो अगली बार भी वह अंग्रेजी तिथि में 16 अप्रैल को ही पूर्णिमा को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमारे यहां नहीं है, हमारे यहां उसका लग्न है, उसका मुहूर्त है, और ये लग्न है इसका भी संबंध है। आयुर्वेद के साथ अगर आप देखेंगे एक मनुष्य के लिए लग्न का सूर्य का और चंद्रमा का बड़ा महत्व होता है, ये ज्योतिष का पाठ है, और आयुर्वेद का क्या है, प्रकृति के तीन गुण हैं सत, रज और तम, वात्विक और तम। आयुर्वेद क्या कहता है, इन तीन में जब विषमता होती है तो व्यक्ति में नकारात्मकता पैदा होती है और वह रुग्ण होता है, रोगी होता है। ज्योतिष क्या कहता है, लग्न सूर्य और चंद्रमा में जब भी नकारात्मकता होगी तो कुछ अघटित होने वाला है, ऐसा घटित होने वाला है जो दुर्घटना का कारण बनेगा, उसके लिए शुभ नहीं होगा, मनुष्य के लिए शुभ नहीं होगा। यानी ये एक दूसरे से अपने आप को जोड़ते हैं, लेकिन हमने इसमें शोध के उन अवसरों पर जितने चिंता व्यक्त की थी, कि व्यक्त की है श्री हरिश्चंद्र जी ने, उस परंपरा को छोड़ दिया और हम लोग केवल इसको भाग्य तक सीमित करते रहते हैं, और भाग्य के भरोसे बैठ करके हम लोगों ने सब कुछ ये मान लिया है कि भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा। जबकि भारतीय मनीषा ने सदैव कर्म को प्रधानता दी, कर्म श्रीमद भगवद गीता भी यही कहती है, कर्मणे वाधिकार रस्ते मां भूमिषु कदाचित, क्यों हम कर्म से भागे। कर्म अगर हमारा प्रभावी है, सकारात्मक है, तो भाग्य हमारा प्रबल होता जाएगा, लेकिन अगर कर्म ही नहीं, हम अकर्मण्य हो जाएंगे तो भाग्य हमारा कभी प्रबल नहीं हो सकता, अपने आप कमजोर हो जाएगा। लेकिन हमने उसको उसके साथ अकेले जोड़ करके उसके महत्व को कम करने का प्रयास किया, और इस दिशा में आयुर्वेद ज्योतिष का इस सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया भारत की पराविद्या और अपराविद्या दोनों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है, उनके पास अपराविद्या के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं, यद्यपि उन्होंने बहुत कुछ यहां से भेजा करके अपने यहां शोध प्रारंभ किया है, लेकिन इसमें जितना सही जानकारी हमारा भारत का ज्योतिषाचार्य, भारत का अरुणिमाचार्य मिलकर के दे सकता है, दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। और मुझे लगता है उस शोध को, विशिष्ट शोध को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया, और उसकी एक गोरखपुर की भूमि का चयन किया। दूसरा, इस दिशा में और भी कार्य हो, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी, काशी में हम लोगों ने एक केंद्र स्थापित किया, उसका नाम है वेद विज्ञान शोध केंद्र। वेद और विज्ञान से संबंधित उन प्राचीन रहस्यों पर जानकारी लेने के लिए और उस शोध को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की है, जिसमें
काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार इस विशिष्ट शोध के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है, उस कार्यक्रम को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहती है। भाइयों बहनों, आप इस बात को देख सकते हैं, जब सकारात्मक शक्तियां एक साथ मिलकर के कार्य करती हैं तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं, बहुत गुणात्मक रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं और आज वो परिणाम हम सबके सामने है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर एक सम्मान दिलाया। हम योग के साथ बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को महत्व मिले और पूरी दुनिया 21 जून को योग के साथ जुड़े। आपने देखा होगा पूरी दुनिया आज उसके साथ जुड़ती भी दिखाई दे रही है। योग को दुनिया के साथ आप 21 जून को देखते होंगे, दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ करके और भारत की इस प्राचीन परंपरा के साथ जुड़ करके अपने को न केवल भौतिक दृष्टि बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि भी उसको भारत की रहस्यों के बारे में जानकारी लेने की एक नई उत्सुकता देखने को मिली। 2019 में जहां हम लोगों को प्रयागराज का कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुंभ ऐसा होना चाहिए कि जो दुनिया की एक विशिष्ट घटना बने। कुंभ हजारों वर्षों से भारत के अंदर चार स्थानों पर आयोजित होता रहा, लेकिन कुंभ को हमने क्या बना दिया? गंदगी, अव्यवस्था, इसका पर्याय कुंभ हो गया। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ, उसमें स्वच्छता का, यानी सामान्य सी चीजें हैं, स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल दिया कि पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होती हुई दिखाई दी और यूनेस्को को भी प्रयागराज कुंभ के माध्यम से कुंभ के आयोजन को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ के आयोजन को मान्यता देनी पड़ी, यूनेस्को को मान्यता देनी पड़ी। अपनी परंपरा को हम किस रूप में वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम स्वयं तक सीमित रखते हैं तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। जब हम उसमें का एक विराट स्वरूप प्रस्तुत करते हैं तो विराट स्वरूप उसे वैश्विक मान्यता की ओर आकर्षित करता है और आज भारत की इस अपराध विद्या को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का हो, चाहे वह कुंभ के आयोजन को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का हो, ये उसी परंपरा का हिस्सा है कि भारत की सकारात्मक ताकतें आज दुनिया के अंदर अपनी इस आध्यात्मिक ताकत का एहसास करा रहे हैं और उस आध्यात्मिक ताकत के साथ जब पूरा भारत जुड़ता है तो भारत की ताकत बनती है। इसके परिणाम क्या है? इसके कई प्रकार के परिणाम हैं। परिणाम वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आपने देखा होगा, कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही, अभी समाप्त नहीं हुई, 2 साल हो चुके हैं। याद करिए 2020 में इस समय देश के अंदर लॉकडाउन, आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र हैं, भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी, भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं यानी बुनियादी स्वास्थ्य का ढांचा यूरोप से और अमेरिका जैसे देशों से काफी कमजोर है, लेकिन कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व
किस रूप में हुआ। भारत के अंदर इन दो वर्षों में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, भारत की एक चौथी आबादी है अमेरिका की, और एक चौथी आबादी में अमेरिका के अंदर भारत से लगभग दुगनी मौतें हुई हैं। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है या फिर अपनी प्राचीन आयुर्वेद योग की विधा के साथ भारत के लोगों के अंदर एक नया उत्साह उमंग का वातावरण पैदा करके एक सकारात्मक पैदा करने का कार्य हुआ, उस कार्य के माध्यम से बेहतर कोविड प्रबंधन के माध्यम से रिजल्ट देकर के जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया है, ये दुनिया के लिए बहुत और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। क्या कि भारत ने इतना अच्छा परिणाम हासिल किया, दुनिया सोच कर रही, दुनिया के लिए सोच का विषय बना हुआ है। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, लगभग मौत के आंकड़े दो वर्ष में दुनिया के अंदर 75 लाख क्रॉस करने जा रहे हैं, और उस महामारी से भारत के अंदर कितनी निश्चिंता के साथ हमारी पूरी दिनचर्या आगे बढ़ रही है। फ्री में भारत ही एकमात्र देश है दुनिया के अंदर जो फ्री में टेस्ट भी कर रहा है, फ्री में उपचार भी कर रहा है, फ्री में वैक्सीन भी दे रहा है, और किसी भी महामारी की सबसे बड़ी जो उसका साइड इफेक्ट होता था वह होता था कि महामारी के कारण भूख से मौत। और पहली बार है कि जब देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। देखिए, हमने केवल बीमारी का उपचार ही नहीं किया, बीमारी के होने वाले दुष्परिणामों से बचाव करने के लिए भी उपायों को पूरा किया है, जिसके कारण एक सामान्य मानव के ऊपर भी, मानवीय के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए और उस संकट के निवारण की भी पूरी व्यवस्था कर दी। दूसरा उदाहरण आपके सामने है, वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मारे गए, दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं और सभी में हरेक में होड़ है अपने वर्चस्व को बढ़ाने के, लेकिन दुनिया का हर नेता और हर देश किसकी ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देख रहा है कि उनके द्वारा मध्यस्थता होने के बाद ही ये शांति आ पाएगी। भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा परिणाम, और इस सकारात्मक ऊर्जा जब भी समाज में रहेगी उसके परिणाम इसी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गोरखपुर में खुलने वाला आयुष विश्वविद्यालय हो या काशी की धरती पर स्थापित हुआ वैदिक विज्ञान केंद्र हो, ये भारत की अपरा विद्या के विशिष्ट शोध को आगे बढ़ाने के विशिष्ट माध्यम बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मेरा यह मानना है, हमारे जितने भी यहां आयुर्वेदाचार्य हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, मेरा उन सबसे इस बारे में बोध होगा, हम लोगों को अपने शोध के दायरे को बढ़ाना होगा, उसमें अपने विशिष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैक्सीन में या नहीं है तो उस प्रकार की वैक्सीन और उस प्रकार के पब्लिकेशन को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी होगी, और अपनी इन विधाओं को दुनिया के सामने संजीव बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से एक टीम भावना के साथ काम करना होगा। इसके बेहतर परिणाम आएंगे, बेहतर परिणाम सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज दुनिया इन सब के पीछे आना चाहती है, क्योंकि जब भी विश्व मानवता को, क्योंकि हमारे यहां हमने जीवन का लक्ष्य केवल जन्म देना, जन्म लेकर के केवल कोई पद प्राप्त करना नहीं है, खाना पीना और मौज मस्ती हमारे जीवन का उद्देश्य कभी नहीं रहा, वो जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, पद और प्रतिष्ठा
लेकिन अंततः भारत का हर मनुष्य अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या मानता है? वो मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, जीवन में मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त हो उसको। उसकी अलग अलग नाम उसके हो सकते हैं, परिभाषाएं अलग अलग हो सकती है, यह उसका लक्ष्य होता है। उसे कैसे प्राप्त करें, ये उसका लक्ष्य है। और चिर शांति की जो हमारी अभिलाषा है, जो हमारी कामना होती है, हमने जीवन को भी चार पुरुषार्थों में विभाजित किया है। धर्म को पहला माना है और मोक्ष को चौथा माना है। इसके बीच में हमने पूरे जीवन के चक्र को उसके साथ जोड़ दिया है। धर्म का जितना महत्व है उतना ही अर्थ का भी है, जितना अर्थ का है उतना ही काम का भी है, जितना काम का होगा उसी प्रकार से चौथे उसमें हम लोगों ने मोक्ष के साथ उसे जोड़ा है। अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग प्रकृति के लिए उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी अपने को यह नहीं कहा कि हम स्वर्ग प्राप्ति करेंगे, कभी नहीं। भारत ने कभी नहीं कहा, भारत की भारतीय मनीषा ने कभी इस बात को नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां का उपभोग करेंगे। भोग को तो हम लोगों ने माना नहीं, हमने तो योग को मान्यता दी। भारतीय मनीषा भोग को नहीं, योग को मान्यता देती है और उस योग की परंपरा के साथ हम जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है तो भारत के लिए गौरव का दिवस होता है, गौरव का क्षण होता है, प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का क्षण होता है, क्योंकि वह हमारे मूल प्रवाह के साथ हमें जोड़ने का एक कार्यक्रम है। और यह परंपरा उसी प्रकार की है, यह व्यवस्था वही है जो हम लोग इसके माध्यम से आगे करना चाहते हैं। और इसीलिए स्वामित्व की ताकत हमें वैश्विक रूप से मजबूत प्रदान करेगी। भारत की अपराध विद्या के बारे में भी, अपराध विद्या को भी वैश्विक मान्यता प्रदान करने के साथ साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में यही सफल हो सकता है, अन्यथा विश्व मानवता के सामने स्वयं के अस्तित्व का एक संकट खड़ा होगा। और अस्तित्व का संकट से बचाने के लिए हमारे यहां से सामूहिक प्रयास अगर आगे बढ़ेंगे तो हम उस कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अमर उजाला परिवार ने गायन के साथ मिलकर के यह ज्योतिष आयुर्वेद का महासभा समागम आयोजित किया है। मैं इसके लिए अमर उजाला परिवार को और गायन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जितने भी हमारे ज्योतिषाचार्य आयुर्वेदाचार्य इस महासमागम में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने विशिष्ट शोध को आगे बढ़ा करके अब केवल भाग्य रेखा देखने तक नहीं, बल्कि अब उससे आगे के दायरे को हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है सब भाग के पास है, सब हमारे पास पहले से मौजूद है, सब कुछ है। हमारा पंचांग की भी एक एक गणना इस बारे का बता देती है। हम उस विशिष्ट शोध को आगे बढ़ाने में सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। आप सबके इस महान समागम की ने मैं आप सबको हृदय से यहां पर आगमन पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस पूरे आयोजन की प्रत्येक की शुभकामनाएं देता हूं और इस प्रकार की विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग सदैव रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। चौरी चौरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में चौरी चौरा थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि चौकी सोनबरसा के सामने मुख्य मार्ग पर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गौकसी के लिए ले जा रही ट्रक जो सोनबरसा हाईवे से होते हुए कुशीनगर होकर बिहार को जा रही थी को रोकने के लिए चौरी चौरा पुलिस टीम द्वारा प्रयास करते समय हुई मुठभेड़ में ट्रक ने पुलिस टीम के ऊपर ही ट्रक चढ़ाने की नीयत से लेकर भागते हुए दो अन्य सड़क पर खड़ी वाहन बस व स्कॉर्पियो में बैठे लोगों को जान से मारने की नीयत से जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई तथा उसमें बैठे लोग बाल बाल बच गए। इसके बाद ट्रक चालक ने ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ाकर भागने का प्रयास किया कि ट्रक डिवाइडर पर जाकर
फंस गई, तभी ट्रक में बैठे ट्रक चालक और एक अन्य व्यक्ति दोनों उतर कर सड़क से खेतों में भागने लगे, जिन्हें पुलिस बल द्वारा दौड़ाया गया तो दोनों बदमाश अपने पास लिए तमंचों से हम पुलिस वालों को जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किए। बदमाशों की फायरिंग से हम लोग बाल बाल बच गए कि फायर करते हुए भाग रहे दोनों बदमाशों की फायरिंग में हम पुलिस वालों ने भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह गिर गया, जिससे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान इमरान पुत्र नूर मोहम्मद निवासी बसौली थाना सरपताहा जनपद जौनपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक ट्रक, 27 गौवंश, एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया तथा दूसरा आरोपी मौके से भाग गया, जिसके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, उपनिरीक्षक मदन मोहन मिश्रा, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव, रविशंकर प्रसाद, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, मिथिलेश यादव, राहुल यादव, विपिन यादव, दीपक पटेल, पीयूष यादव, संजय कुमार मौर्य शामिल रहे। कैंट पुलिस ने 2 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को बंटी मैरिज हाउस निकट ऑर्बिट कार एजेंसी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान सोनू डोम पुत्र भोला डोम निवासी नगर पालिका के सामने स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद देवरिया, दूसरा महेश डोम उर्फ बादल पुत्र मुख्तार निवासी नगर पालिका के सामने स्कूल के पास थाना कोतवाली जनपद देवरिया के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी का 6 मोबाइल, मंगलसूत्र व लॉकेट बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि बीते कुछ दिनों में गोरखपुर शहर क्षेत्र में बाइक सवार 2 लड़कों द्वारा राह चलते लोगों जो मोबाइल फोन पर बात कर रहे होते हैं या मोबाइल फोन को हाथ में लेकर सड़क पर चल रहे होते थे या सड़क पर चल रही महिलाओं से उनका हैंड बैग व गले में पहने हुए चैन लूट छीन कर भाग जाने की घटना लगातार कारित किया जा रहा था। इसी प्रकार दिनांक 9 जनवरी की सुबह 6:30 बजे रेलवे गोरखपुर में बुकिंग क्लर्क के पद पर कार्यरत महिला जो ऑटो से ड्यूटी पर जा रही थी, उसका हैंडबैग शास्त्री चौक थाना क्षेत्र कोतवाली में छीन लिया गया था, जिसमें महिला का 2 मोबाइल व रुपया आदि था। वह दिनांक 14 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे ग्राम कोनी की निवासिनी महिला जो अपने मां के साथ दवा इलाज कराने गोरखपुर आई थी से उसका मंगलसूत्र विश्वविद्यालय चौराहे के पास छीन लिए थे। वह 12 अप्रैल की रात 12 बजे असुरन के पास से एक व्यक्ति जो रेलवे में कार्यरत है उसका मोबाइल छीन लिए थे। वह दिनांक 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे डीएवी स्कूल कोतवाली के पीछे एक व्यक्ति से उसका मोबाइल छीन लिए थे। 11 अप्रैल को एक मोबाइल कोतवाली देवरिया में छीन लिए थे, जिसके संबंध में जनपद के थानों पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तों ने पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि हम दोनों मिलकर राह चलते लोगों से मोबाइल पर्स छीन लेते हैं और बाद में छीने हुए माल को राह चलते आदमियों राहगीरों को बेच देते हैं और बेचने से प्राप्त रुपयों को आपस में बांट लेते हैं, जिससे हम लोगों का जीवन यापन होता है। हम दोनों लोग मोटरसाइकिल चला लेते हैं और दोनों ही लोगों में से जिसे मौका मिलता है वही लूट लेता है और बरामद मोबाइल व मंगलसूत्र को बेचने जा रहे थे तभी आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। सीओ कैंट ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, बेतियाहता चौकी प्रभारी विशाल कुमार शुक्ला, कांस्टेबल दीपक यादव, शिवम तिवारी, आनंद कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट श्याम देवबिंद ने कहा,
समस्या। इसमें बेतियाता काफी अच्छा काम किया है उस दिन, मतलब भी रिवार्ड नहीं मिल रहा हमको, रिवार्ड तो मिलना चाहिए, रिवार्ड के लिए हम रिकमेंड कर देते हैं क्योंकि बेतियाता वहाँ के अच्छे चल के टूट जाते हैं बेचारे। अरे रुक जाइए, पानी पिए, अरे थाना कैंट पुलिस द्वारा दो साथी लुटेरे पकड़े गए हैं, सोनू डोम और महेश डोम, जो देवरिया के रहने वाले हैं, जो मोबाइल भी छिनैती करते थे और महिलाओं से चैन स्नैचिंग वगैरह भी छीनते थे। तो ये कैंट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल बरामद हुए हैं और लूट का एक चैन भी बरामद हुआ, जो अभी कैंट थाने से एक महिला से छीना गया था। ये इन दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। जो सोनू डोम है, ये देवरिया से गैंगस्टर भी इस पर हुआ था और लगभग 10 मुकदमे इस पर कुल पंजीकृत हैं। उसी तरह से महेश डोम है, उस पर 5 मुकदमे हैं, उसका भी आपराधिक इतिहास है, देवरिया से भी है और यहाँ शाहपुर कोतवाली थाने से भी मोबाइल लूट के मुकदमे हैं। तो दोनों को कैंट पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक न्यायालय में आज पेश करेगी, फिर न्यायालय के आदेशानुसार उसको भेजा जाएगा। पूछताछ में भी दो ही लोगों का इन्हीं का आया है और बाकी अन्य थानों और आसपास के जिलों से इनके बारे में और जानकारी कराई जा रही है। 6 मोबाइल बरामद हुए हैं जो इन्होंने लूटे थे और एक चैन स्नैचिंग बरामद हुई है, एक मोटरसाइकिल है और एक मंगलसूत्र है लूट का। ये शहर में ही किराए पर कमरा लेकर रहते थे और घूम घूम कर ये सफाई वगैरह का काम करते थे, लेकिन मेन काम इनका लूट का ही था। सफाई ये लोगों को ये बताते थे कि सफाई का काम करते हैं, लेकिन ये मेनली मोबाइल लूट और महिलाओं से चैन स्नैचिंग वगैरह का ही काम करते थे। ये बहुत साथी लुटेरे हैं, इनका और आपराधिक इतिहास पता कराया जा रहा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। स्वच्छता व सौंदर्य का प्रतिमान बने गोरधोइया नाला, सीएम योगी ने किया गोरधोइया नाला का निरीक्षण, कहा नाले के अंतिम छोर पर बनाए छोटा तालाब व वाटर स्पोर्ट्स बॉडी, नाले में कूड़ा न फेंकने के लिए नागरिकों को किया जाए जागरूक, नाले के दोनों किनारे पर बोल्डर पिचिंग व दोनों तरफ बनने वाली सड़क पर पौधारोपण कराने के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के ऊपर एटीएस ने लगाया यूएपीए। मुर्तजा को एटीएस ने शनिवार को रिमांड खत्म होने के बाद गोरखपुर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने मुर्तजा अब्बासी को भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल। कोर्ट ने केस को लखनऊ एनआईए कोर्ट में किया ट्रांसफर। अब एनआईए मुर्तजा केस की करेगी जाँच व एनआईए कोर्ट करेगी सुनवाई। अगले सत्र से शुरू हो जाएगी गोरखपुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई। सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण, कहा निर्धारित समय सीमा मार्च 2023 तक हर हाल में पूर्ण करें निर्माण, दिए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही सरकार, ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ज्योतिष व आयुर्वेद का है परस्पर गहरा संबंध, आयुर्वेद व ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने को खोले जा रहे हैं नए संस्थान। गोकसी के लिए ले जा रहे 27 गौवंश को चौरी चौरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया बरामद। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। अंतर
सीकर जनपदीय मोबाइल पर्स चैन लूट करने वाले दो शातिर लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 6 मोबाइल मंगलसूत्र व लॉकेट किया बरामद। सीओ कैंट ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए पुलिस व भूमि विवाद से संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर एक हफ्ते में निस्तारण के दिए गए निर्देश। महिलाओं में जागरूकता के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत एसपी क्राइम की अध्यक्षता में एक मॉल में कार्यक्रम आयोजित कर डायल 112 वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में महिलाओं को दी गई विस्तृत जानकारी। साइबर क्राइम से बचाव के लिए किया गया सतर्क। कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में निकाली गई भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, चैत्र पूर्णिमा के दिन पूरे हिंदुस्तान में निकाली जाती है भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा। नगर निगम के कार्यकारिणी समिति की 20वीं व 21वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया नगर निगम का पुनरीक्षित बजट। सर्वसम्मति से आगामी नगर निगम के सदन की बैठक में प्रस्ताव प्रेषित करने पर बनी सहमति। की वारदातों को देखते हुए फायर विभाग पूरी तरह से है सतर्क। मॉक ड्रिल कर आग से बचने के तरीके की दी जा रही है जानकारी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा, आग से बचने की सतर्कता का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में कैरियर इन काउंसलिंग की कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, किस तरह से छात्र एवं छात्राएं बना सकते हैं अपना कैरियर, इस पर हुई चर्चा। और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन। हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा, हनुमान जी हैं प्रत्यक्ष देवता, इनका पूजन करने से सबका होता है कल्याण। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय।
भटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश अनुसार जनपद के सभी तहसीलों में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। मेरे द्वारा तहसील सदर में चल रहे तहसील दिवस में भाग लिया गया है और लोगों की समस्याओं को सुना गया है। उन्होंने कहा, तहसील समाधान दिवस में जितने भी मामले आए हैं उसके निस्तारण के लिए पुलिस व प्रशासन की ज्वाइंट टीम बनाकर मौके पर भेजा गया है, जिससे कि समय से मामलों का निस्तारण हो सके। इसके लिए सभी अधिकारियों को तहसील दिवस में आए मामलों को 7 दिन में निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया, जिसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामले राजस्व व पुलिस प्रशासन से संबंधित आए हैं, जिनको जल्द ही निस्तारण कर लिया जाएगा और तहसील दिवस बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि तहसील दिवस में लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इस अवसर पर SDM सदर कुलदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, शासन के प्राथमिकता के अनुसार आज तहसील दिवस की सुनवाई सभी अधिकारियों के साथ किया गया है। जो भी प्रार्थना पत्र आएँ उसके लिए जॉइंट टीम्स पुलिस और प्रशासन की बना के फील्ड में भेजा जा रहे हैं और समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जाएगा। 7 दिन के भीतर सभी निस्तारण गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया और उसका अनुश्रवण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। ज़्यादातर राजस्व और पुलिस संबंधित मामले आए हैं और विकास कार्य की योजनाओं में आच्छादन के आए हैं, 100% उसको पूर्ण किया जाए। सर कितना कार्यकर हो रहा है? तहसील दिवस बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। इसके माध्यम से जॉइंट टीम्स फील्ड में जा पा रहे हैं, निस्तारण की गुणवत्ता भी पिछले साल की देखी गई है पिछले तहसील दिवसों की, तो उसमें भी अच्छी गुणवत्ता प्रदर्शित हो रही है, लेकिन इसमें लगातार सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है, जिसके लिए निर्देशित किया गया है और उसका अनुश्रवण किया जाएगा। मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत महिलाओं में जागरूकता के लिए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में एक मॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने मॉल में आई महिलाओं को डायल 112 वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं को जागरूकता करते हुए कहा कि अगर रास्ते में आते जाते समय कोई लड़का आपको परेशान करता है तो आप तुरंत 112 पर कॉल कर सकती हैं, जिसके बाद संबंधित थाने की पुलिस तुरंत आपके पास पहुंचकर आपकी सहायता करेगी। इसके साथ उन्होंने महिलाओं को साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बिना जान पहचान के किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके बात ना करें, क्योंकि वही लड़का कुछ दिनों के बाद आपसे बात करके आपको नुकसान पहुंचाएगा और फोन पर बिना जान पहचान के आई वीडियो कॉल को एक्सेप्ट ना करें। उसके बाद SP क्राइम ने कार्यक्रम में आई 15 महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महिला थाना प्रभारी प्रभा, कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, सुनील कुमार पटेल, एम्स चौकी प्रभारी हिमांशी पांडे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, किसी भी क्षेत्र में हमारी महिलाओं को स्ट्रांग बनाने के लिए
भी अपने अधिकारों को जानने और समझने के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया गया था। आप लोगों ने इसके पहले नाम तो जरूर सुना ही होगा क्योंकि बहुत जागृत करते रहते हैं, और इसी के अंतर्गत आज हम यहाँ एकत्रित हैं। काफी वर्किंग वुमेन है यहाँ पे काम करता करने वाशित करने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं सशक्त हो, असक्त लेकिन महिलाएं हमारी कभी नहीं थी। उन समय के लिए हमारी याद में जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान मिलता था, और जैसे ही जामन उनको अपनी शक्ति का याद दिलाते थे तो उनके अंदर अपनी पूरी ताकत आ जाती थी, पूरी ताकत से वो अपना कार्य करते थे। सेम चीज यही है, मेरा तो यही मानना है कि कोई भी महिला निर्बल नहीं है, कोई भी महिला अबला नहीं है, सभी महिलाएं सशक्त हैं। बस जरूरत है तो उन्हें अपने अंदर की क्षमता, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने के लिए। अक्सर हम कहते हैं अरे छोड़ो हो जाएगा, वो है ना बड़ा आदमी कर लेंगे, वो है ना, ये सोच करके हम दूसरों पे टाल देते हैं। अभी ये बता सकें कि देखने वाले ही कहें कि खुदा उनकी खुदी को कर खुदा इस सशक्तिकरण जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बस मात्र ये है कि आप जागृत हो, आप पहचाने कि आपके अंदर कौन सी शक्ति है, जितनी भी शक्ति है नारी। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह बताऊंगी जैसे कि हमारे पुलिस, आप लोग आपसे जाना चाहेंगे जी। ये मॉल कितने बजे बंद होता है? 11 o'clock इन द नाइट। तो जब ये 11 o'clock इन द नाइट बंद होता है तो आप लोग घर कैसे जाते हैं? 8 o'clock को जाता है। 8 o'clock जो महिला है कर्मचारी, वो 8 o'clock को नहीं बुलाती यहाँ से। 8 o'clock तो मैं तो नहीं बुलाती हूँ यहाँ से, छुट्टी हो जाती है। उससे ज़्यादा घंटे नहीं रोकते यहाँ पे। ये सबको पता होना चाहिए, पुरुषों को भी पता होना चाहिए।
जैसा कि आप सभी को पता है कि मिशन शक्ति फेज 4 लागू है इस समय पे, और उसी के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है उसके अंतर्गत आज हम लोग सिटी मॉल में आए हैं और यहाँ पे जो कार्यरत महिलाएं हैं और जो शॉपिंग के लिए भी महिलाएं आई हैं उन सभी को उनसे सुरक्षा के संबंधित जो कानून बनाए गए हैं उनके विषय में जानकारी दी गई और जो टोल फ्री नंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई ताकि वो महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, सुरक्षित रहें और जो कानून है उसके बारे में उनको जानकारी हो सके। आज हमने उनको साइबर क्राइम और साइबर हेल्पलाइन उसके बारे में बताया है और हमारे स्पेशलिस्ट हैं जो साइबर थाने से, उन्होंने उनको काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि किस तरह से अपने आप को कुछ स्टेप्स सावधानी के लेकर के अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। और जो टोल फ्री नंबर है वो हमने एक सुरक्षा चक्र यहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है जिसमें सभी टोल फ्री नंबर हैं, उसको वो अपने साथ रखें पिक लेकर के और जब भी डिस्ट्रेस में हो आवश्यकतानुसार जिस भी हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता हो उसको डायल करें। अभी हर एक थाने पर महिला सुरक्षा दल का गठन किया गया है और मिशन शक्ति के तहत ये सभी जो दल हैं महिला सुरक्षा के प्रत्येक थाने के वो गांव में जा रहे हैं, मरीन बस्तियों में जा रहे हैं, ईंट भट्टे पे काम करने वाली महिलाओं के पास जा रहे हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रही हैं उनके पास जा रहे हैं और जो विद्यालय हैं वहाँ भी जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं। इन सभी जगह पर जहाँ पर भी हम महिलाओं को अप्रोच कर सकते हैं उन सभी जगह पर ये महिला सुरक्षा दल जा रहा है और महिलाओं को उनके सुरक्षा से संबंधित कानूनों के विषय में और ये हेल्पलाइन नंबर्स के विषय में जानकारी दी जा रही है। मोटिव है महिलाओं को सशक्त बनाना और स्वावलंबी बनाना और वो सुरक्षित रहें, यही मोटिव है। कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें भाजपा की क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने भगवान चित्रगुप्त को आरती कर तथा नारियल फोड़कर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा निकाली गई और जनपद में चित्रगुप्त समाज से जुड़े हुए नागरिक इस शोभा यात्रा में भागीदार बने। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान भगवान चित्रगुप्त की आरती पूजा अर्चना की गई और सभी भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना किया कि सबका कल्याण करें और सबका मंगल हो। वहीं कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिन्हा ने बताया कि कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में पूरे हिंदुस्तान में भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा निकाला जाता है। चैत्र माह में कायस्थ समाज के लोग उत्साह के रूप में इसे मनाते हैं। उन्होंने बताया कि यह शोभा यात्रा आर्यनगर बख्शीपुर बैंक रोड विजय चौराहा गोलघर होते हुए गोरखपुर क्लब में जाकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अमित वर्मा, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, भाजपा के महानगर क्षेत्र उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ दीप्तिमान श्रीवास्तव सहित कायस्थ विकास परिषद के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिन्हा ने कहा।
चित्रगुप्त भगवान की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वैद्य राजू सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ विकास परिषद। यह शोभा यात्रा भगवान महाकाल चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव चैत्र माह के पूर्णिमा के दिन हुआ है और उसी संदर्भ में कायस्थ समाज के लोग कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में पूरे हिंदुस्तान में हम भगवान की भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। कुछ जगहों पर हम लोग मंदिरों में पूजन अर्चन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। एक माह का चैत्र माह में हम कायस्थ समाज के लोग उत्साह के रूप में इसे मनाते हैं। यह यात्रा यहाँ से केंद्रीय कार्यालय नियामक चक से उठकर तरंग आर्यनगर बक्सीपुर बैंक रोड विजय चौक होते हुए गोलघर और इसका समापन होगा गोरखपुर क्लब में। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी भगवान चित्रगुप्त जी की शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही है और पूरे गोरखपुर के नागरिक
विशेषकर चित्रकूट समाज से जुड़े हुए और पूरे गोरखपुर के प्रतिष्ठित नागरिक इस शोभा यात्रा में भागीदार बनते हैं। जगह जगह स्वागत के कार्यक्रम होते हैं, भगवान चित्रगुप्त जी की आरती होती है और उनकी पूजा अर्चना होती है और सभी लोग भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल हो और सबका कल्याण करें। नगर निगम के न्यू बिल्डिंग के कार्यकारिणी समिति भवन कक्ष में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की 20वीं व 21वीं बैठक किया गया, जिसमें कार्यकारिणी ने दो पार्षद प्रदीप कुमार एवं प्रेमचंद्र श्रीवास्तव का आकस्मिक निधन पर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए महापौर द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी कार्यकारिणी सदस्य सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। वहीं बैठक में अपर नगर आयुक्त द्वारा कार्यसूची के नगर निगम का पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्राप्तियों का अनुमान 37,334.10 लाख तथा व्यय का अनुमान 37,354.90 लाख प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। 2022-2023 जिसमें प्राप्तियों का अनुमान 37,825.30 लाख तथा व्यय का अनुमान 45,254.85 लाख का है, कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सूचित करते हुए निर्णय लिया गया कि आगामी सदन की बैठक में प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। इस बैठक में उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, जियाउल इस्लाम, राजेंद्र तिवारी, बबलू कुमार गुप्ता, संजय यादव, रामलवट निषाद, अभिमन्यु मौर्य, संतराज शर्मा, सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आप तक मेरी जानकारी का से है शासन द्वारा, इस मंत्रालय द्वारा या डायरेक्टर द्वारा कि चुनाव समय पर हो जाएगा तो बहुत मुश्किल, 6 महीना चल रहा है, 8 महीना और चुनाव, तो हम लोग का बजटवा पर ख्याल आपका काम रूचि पूर्वक हो जाए। अरे कब नहीं रहा, हम निवेदन तो करने का अधिकार तो मेरा पूरा है, बिल्कुल है, ठीक है, पूरा अधिकार है बोर्ड की बैठक में आपका, जिसको ऐलान करते हम लोग आती है और ये हम सब कहते हैं कि महापौर जी ने पार्शलिटी नहीं की, सबके साथ समान व्यवहार समान तरीका एडाप्ट किया। आज दिनांक 16/4/22 को प्रारंभ की जा रही है। बैठक की कार्यसूची में सबसे पहला बिंदु है श्री प्रदीप कुमार माननीय पूर्व पार्षद जी का शोक प्रस्ताव। माननीय महापौर जी शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे और हम उनका एक और होगा। और दूसरा बिंदु माननीय महापौर भैया 1995 बोर्ड के वार्ड नंबर 7 के माननीय पूर्व पार्षद श्री प्रदीप कुमार दिनांक 16/1/22 को तथा पूर्व पार्षद श्री प्रेमचंद श्रीवास्तव का दिनांक 13/2/22 को आकस्मिक निधन हो गया। नगर निगम के माननीय पार्षदगण, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण शोक प्रस्तावित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिग्वंत आत्मा को शांति मिले एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार प्रोत्साहन करने की शक्ति ईश्वर प्रदान करें। 2 मिनट हम लोग मौन रखते हैं। कोई संशोधन करना होगा तो लिख करके देगा, एक तो हम सजेशन दे आपको, हाँ काम ठीक नहीं हो रहा है, नियम विरुद्ध हो जाएगा, हम संशोधित बोर्ड की बैठक में कर लेंगे, टाइम कर रहे हैं ना सोमवार।
देखिए कुछ बिंदु है हम बजट के बता दें। कागज था जी, क्या हुआ? कुल आय होगी हमारी 55,53,30,000 रुपये, जो नगर निगम के विभिन्न मदों से हमारे यहाँ आए हो, और शासकीय अनुदान जो हमें प्राप्त हुआ भाई एक बजट के बारे में बोलने के लिए 60 में जिस्ट बोलिए, लेकिन चिट्ठी पर 21 पर इसमें प्राप्तियों का अनुमान रुपये 37,314.10,00,000, अब गए का अनुमान रुपये 39,115.90,00,000, पांडी कार्यकारी समिति समक्ष 11,000,000, अतः कृपया मानवीय कार्यकारी के समक्ष उचित आय व्यय अनुमान की स्वीकृति प्रदान करना चाहता हूँ। इसमें हमारा प्रारंभिक अवशेष है 17,702.05, निजी स्रोतों से प्राप्तियाँ, इसमें कर प्राप्तियाँ, करिश्चर प्राप्तियाँ हैं 2,883.05, कर करिश्चर है 1,886.06, वोटों का पूरा योग है 4,770.03, शासकीय अनुदान से प्राप्तियाँ जो हुई हैं 3,031,013, अन्य प्राप्तियाँ इसके अतिरिक्त जो है 1,611 हुई, कुल प्राप्तियाँ हैं 37,334.10,000 37,310, अभी बता दें इसमें 45,115 आ रखा हुआ, 200 करोड़ का पूरा चीज करा रहा है, खाइए तो अगले 22-23 में इसको बंद कर दिया जाए। जनपद में बढ़ते हुए आग की वारदातों को देखते हुए फायर विभाग पूरी तरह सतर्क है और लगातार जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को आग से बचने के तरीके और आग में फंसे हुए लोगों को किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी किस तरह से सुरक्षित आग से निकाला जा सके, इसकी जानकारी अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह के नेतृत्व में दिया जा रहा है। शनिवार को मोहद्दीपुर स्थित निजी होटल में मॉक ड्रिल किया गया, जिसके संबंध में अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि होटल में रहने वाले लोगों को किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए और अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखा जाए, इस होटल के सभी स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि होटल के पंप हाउस फायर एग्जिट, संपूर्ण होटल के अग्निशमन व्यवस्था को चेक किया गया तथा कर्मचारियों को हाइड्रेंट से पानी कैसे रिचार्ज किया जाता है इसके बारे में भी बताया गया और अग्नि सुरक्षा से जुड़े पंपलेट हुआ वही हैंड व्हील का वितरण किया गया। इस अवसर पर फायर फाइटर आशीष नंदन सिंह, परमानंद पांडे, अभिषेक सिंह, प्रेमचंद्र सिंह, संजीव श्रीवास्तव सहित लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा, ट्रेनिंग वाल्व लगा हुआ है कि मुंह से छोड़ी हुई जो सांस है वो बाहर निकल जाएगी और बाहर की सांस या वातावरण में जो भी जहरीला गैस होगा, धुआं होगा, कुछ भी होगा, जहाँ पे आप काम करें वो अंदर रहने के लिए ऐसे पहनेंगे आप जाएंगे तो जो पहनेगा ये उसको बोलते हैं प्री एंट्री टेस्ट। प्री एंट्री टेस्ट का मतलब होता है कि अंदर जाने से पहले का टेस्ट, ये हमारा उपकरण सही है कि नहीं सही है, यदि दम नहीं घुट रहा है इसके माने कहीं से आपको हवा मिल रही है और जिस वातावरण में जाके आप काम करोगे वहाँ पे कोई भी गैस का रिसाव है, धुआं है तो आपको मिल जाएगा और पता चला कि आप जहाँ पे रेस्क्यू करने गए हैं आप भी प्रभावित हो जाएंगे तो फिर आपको ऐसे में क्या करना होगा, फिर इसको स्ट्रिप को ढीला करना है, ढीला करने के बाद इसको फिर इसको फिर आप इसको अंदर बैठा लेंगे और करके फिर इसको कसेंगे और फिर वही प्रक्रिया करेंगे जब वाल्व को अपने हाथ से बंद करेंगे। अगर आपका दम घुटने लगे तो समझ लीजिए कि ये परफेक्ट है और फिर आप उस वातावरण में जा सकते हैं। कभी भी जाइए तो दो आदमी के साथ जाइए, सहयोगी के साथ, और पॉकेट लाइन गाइडलाइन का प्रयोग करिए क्योंकि अंधेरे में बत्ती नहीं रहेगी और पता चला कि आप उस एरिया में जाके फंस जाएंगे तो पॉकेट लाइन के सहारे आप सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और कभी घबराते हैं तो ज़्यादा घबराएंगे तो ज़्यादा सांस लेंगे, ये जिस देश में फिर से रहे हुए ख़त्म हो जाएगा,
इसमें आपको एक तरफ से ऐसे सर्चिंग करना, ऐसे सर्च नहीं करना, नहीं तो आप किसी चीज़ को पकड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फंसा हुआ अकेले आया हूँ, तो मैं जब ऐसे सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, तो फिर बात ऐसे खिड़की मिलेगी, फिर हमको एक दरवाज़ा मिलेगा और हम सुरक्षित फिर करेंगे अगर ऐसा फंसते हैं तो। ठीक है, अपना फेस करेंगे क्योंकि इनके पे है कि नहीं, फिर इसको वहाँ पे जाके इससे काम करना बहुत सेफ है, आप फ्रेश रहेंगे। हमारे यहाँ इसका बहुत प्रयोग होता है, किसी भी मॉल में कहीं भी आग लगती है बेसमेंट में, हमारे सारे आदमी एक्सपर्ट हैं, इसको पहन के हम चले जाते हैं। तो आपके पास ये दो है, ये 200 के बजाय ये 250 है, इसको पहन के जाया जा सकता है। अब मैं इसको अपने आदमी को से पहनाता हूँ। और इसको जंप करके ऐसे करेंगे, उछल के बैठ जाएगा। अब इसको आप कसिए अपने बॉडी में, बहुत अच्छी चीज है, इसका खूब प्रयोग करिए और हम लोग आपका भर दिया करेंगे। जब आप खाली करेंगे तो मैं भर दिया करूँ। इसको देखिए कसेंगे ना आप ऐसे, नहीं तो टूट जाएगा, ऐसे सीधा ऐसे खींचते हैं नहीं तो टूट जाएगा। और ये आपको मिलवाई फ्रेश एयर में ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। और इसको खोलने के लिए कुछ नहीं, ऐसे नहीं खोला जाता, ये आप पकड़िए ये चीज़ें ये, और इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखिए वार्निंग विजिल बजा, जब ब्रेक पे आया तो वार्निंग विजिल बज गया, ठीक है। सब लोग लीजिए, सब लोग आपस में अलग अलग टाइप के कलर जो है, अलग अलग टाइप के आगों के लिए है, एक दूसरे से अदल बदल के पढ़िए और इसको फाड़िए नहीं, आगे भी लोगों को बांटते जाइए, सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ मिले। अलग अलग बदल लीजिएगा, हर तरह से आपके लिए अलग अलग है ये, और आप लोग को इसलिए कलर है, किसी में ग्रामीण क्षेत्र का है, किसी में शहरी क्षेत्र का है, किसी में मल्टी स्टोरी का है। आप लोग फिर अपने साथियों को दीजिएगा, लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग सबकी ट्रेनिंग्स कर, थोड़ा सा ये होगा अगर आप लोग को बुलाइए तो हम लोग आपको अपना ट्रेन करते हैं। ये हमारा सर, ये हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये हमारी AI बहुत अच्छी नंबर जो ट्रेनिंग लिया हुआ वो है, तो सिक्योरिटी कोई भी इमरजेंसी होती है तो तुरंत इन्फॉर्म करती है, मैसेज डालती है तो वो इंस्टेंट पहुँच सकते हैं। मैं समझ गया था, तो इसलिए मैं उसको बोलता रहा हूँ।
मैनेजर में था ना, मैंने जाना पड़ा का मास्टर आपसे रिक्वेस्ट है कभी इसमें टाइम निकाल के नहीं बिल्कुल हम आप आएंगे बहुत अच्छे से करेंगे बहुत अच्छे से मॉकड्रिल तो हम लोग का साल भर चलता रहता है, प्रत्येक माह और सप्ताह में हम लोग हमेशा जब भी समय रहता चलाते रहते हैं, लेकिन इस समय इसको अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक सुरक्षा सप्ताह हम लोग मनाते हैं फायर सर्विस का, जिसके तहत हम लोग का इसमें कई टीमें गठित हुई हैं और देहात में जो फायर स्टेशन है वो भी मॉकड्रिल कर रहे हैं, शहर क्षेत्र में जो फायर स्टेशन है वो भी कर रहे हैं, और मैं भी समय समय पर जैसे भी समय मिल रहा है निकल के बाहर मॉकड्रिल कर रहा हूँ। कल सिटी मॉल में किया गया था और आज मैं रेडसन ब्लू यहाँ का अच्छा होटल है सबसे मैं उसमें आया हूँ, तो इनकी टीम के साथ एक जॉइंट मॉक ड्रिल हुआ है और सारे पंप हाउस को मैंने चेक किया, सब स्वचालित हैं, ऑटो मोड पे सारे सिस्टम लगे हुए हैं और स्मोक डिटेक्टर भी सही काम करते पाया गया है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगे हैं वो फायर के जितने हैं इनके पंप सब सब कार्यशील दशा में सब स्वचालित हैं, कहीं भी आग लगने पे आप स्प्रिंकलर सिस्टम अपने आप स्वचालित हो जाएगा, बिना आदमी किसी पहुँचने पंप भी अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, सब अच्छे कंडीशन में है। और यहाँ पे जो उपकरण है इनको चलाने की जानकारी दी गई, इनके स्टाफ को पहले से काफ़ी अच्छी जानकारी थी और उनको डीप जानकारी दी गई। इनके यहाँ ब्रीदिंग ऑपरेटर्स है जो BSET है, जिसको ऐसे वातावरण में जहाँ पे जहरीली गैस है धुआं है नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता वहाँ पे उसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है, तो इनके द्वारा वो भी रखा गया है, मैंने निकलवा के देखा वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, उसमें ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर है वो पूरा भरा हुआ है, और इनके यात्रियों उसको चलाने पहनने की अच्छी जानकारी थी उनको, और डीप में उसको पहनने के और उसको कैसे प्री एंट्री टेस्ट करते हैं, कैसे प्रवेश करने से पहले क्या क्या टेस्ट करके प्रवेश किया जाए जैसे अपने को भी सुरक्षित रहें, उनको विशेष इसकी जानकारी दी गई और सारे उपकरणों को भी चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, पंपलेट भी इनको दिया गया, प्रचार प्रसार किया गया कि आप अपने पढ़िए और इसको अपने साथियों को भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहिए, अलग अलग टाइपों के पंपलेट हम लोगों ने जो छपवा रखे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग हैं, शहरी क्षेत्र के लिए अलग हैं, मल्टीप्लेक्स मॉल और हाई राइज बिल्डिंगों के अलग हैं, तो उसे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना होने न पाए, लोग सतर्क रहें जागरूक रहें, होती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई की जाए और जन हान और धन हान को रोका जा सके। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रांगण में कैरियर इन काउंसलिंग की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में केमिकल साइकोलॉजिस्ट अतुल कुमार ने बताया कि कैरियर इन काउंसलिंग के द्वारा किस तरह से छात्र एवं छात्राएं अपने कैरियर को बना सकते हैं और क्या क्या आगे स्कोप है इसके बारे में बताया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने कार्यशाला का लुत्फ उठाया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में प्रैक्टिकली काउंसलिंग कैसे करते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम होती है इसके बारे में सिखाया गया, जब कहीं काम करने के लिए स्कूल कॉलेज काउंसलिंग करेंगे और समाज के लिए एक स्रोत साबित होंगे जिससे लोगों की समस्याओं को कम किया जा सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंकिता ओझा, आदिल अजीज एवं केमिकल साइकोलॉजिस्ट अतुल कुमार ने कहा, आप उसी को पकड़ के चलते हो, आप हम यही करने वाले हैं, फिर से रोल प्ले बेटा कर रहे हो वो ज्यादा नुकसानदायक है, तो यहाँ पे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ लर्निंग है। कैसे आए अकेले आए? अच्छा, तो आप कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली मुझे कुछ अपनी लाइफ में दिक्कत फेस करनी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक काउंसलर के पास जाके चीजें डिस्कस करके शायद कुछ प्रॉब्लम की परफेक्शन किया कि कोई भी काम करने का मतलब उसको इतने परफेक्ट तरीके से करो कि मतलब कि कोई उसमें गलती कुछ चांसेस ही नहीं रहे, लेकिन दिक्कत आप लेथार्जी फील नहीं करते हो और फिर वहाँ तक पहुँचते हैं उसमें आपको दिक्कत भी देखते हैं, उसके चलते एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन खुद के ऊपर और फिर प्रेशर जो सोसाइटी का पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो सारी चीज़ों के साथ दिक्कत आपको ऐसे नहीं होता ना, तो आप इसको इन जनरल क्या बोलेंगे, वैसे साइकोलॉजी का आपको पता नहीं होता, लेकिन
स्टडीज के भी कॉन्सिक्यूटिवली जी। मेरा नाम आदिल अजीत है और मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय मनोविज्ञान विभाग का शोध छात्र हूँ। किस तरह का प्रशिक्षण ले रहे हैं? यहाँ पे काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के फील्ड में मनोविज्ञान का जो अप्लाइड एस्पेक्ट होता है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसी से रिलेटेड वर्कशॉप चल रही है। किन किन समस्याओं पर इसमें? जैसे इंटरनेट एडिक्शन हो गया, सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, स्कूल प्रॉब्लम हो गई, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे के उसका इंटरवेंशन के बारे में बताया जा रहा है। मैं अंकिता ओझा हूँ और मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में रिसर्च स्कॉलर हूँ। और यहाँ पे 2 दिन का वर्कशॉप चलाया जा रहा है। पहले दिन में हमें सारे बच्चों को ये बताया गया कि साइकोलॉजी जो है वो किस किस फील्ड में हम और पढ़ सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में साइकोलॉजी, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताया गया और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो साइकोलॉजी के अंतर्गत कराए जाते हैं उनके बारे में बताया गया। सेकेंड डे जैसे फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है वैसे मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कैसे काउंसलिंग करें किसी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, और एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे दूर करें, और छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे जीवन में होती हैं उन लोग को उन सबको हम कैसे टैकल करें और दूसरे को हेल्प करें काउंसलिंग के दौरान। मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम नोएडा। आई रन एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस और एक और UIBS क्लिनिक जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये कार्यशाला दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज़ की है एंड इसमें हम लोग जो करियर इन काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी कि किस तरह से आप उसमें करियर बना सकते हैं और क्या क्या आगे स्कोप है डिफरेंट एरियाज़ में उसके बारे में बात की गई, जिसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एंड उनके पास बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स उनको मिले। और आज नेक्स्ट डे जो हम लोग कर रहे हैं वो काउंसलिंग स्किल्स पे कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी जो समस्याएँ हैं साइकोलॉजिकल, चाहे वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं या करियर को लेके है या इमोशनल इशूज़ हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पर साइकोलॉजी के लोगों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है काउंसलिंग में, क्योंकि जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करें उसमें जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो आगे चलकर साइकोलॉजिस्ट बनने वाले हैं, काउंसलर्स बनने वाले हैं, वो उनका एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो यहाँ पे इस कार्यशाला में हम उनको वो काउंसलिंग स्किल्स कैसे करते हैं प्रैक्टिकली रोल प्लेस के थ्रू एंड आपस में इंटरेक्ट करके कैसे करें, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में हम लोग उन्हें सिखा रहे हैं आज, और वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जब वो काम करने के लिए किसी स्कूल कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में काउंसलिंग करेंगे और समाज के लिए एक रिसोर्स साबित होंगे, एक जिससे कि लोगों की समस्याओं को कम किया जा सके। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर में सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया,
जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी आचार्य राम नारायण त्रिपाठी ने बताया कि कलयुग में सर्व देवता हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। इस कलयुग में जन जन का कल्याण करने के लिए त्रेता में भगवान जब यहां से जाने लगे तब हनुमान जी के साथ के सभी भगवान यहां से चले गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। यह कहकर कि मैं यहीं पर रहूंगा, अयोध्या और सारे संसार की रक्षा करूंगा, इसीलिए हनुमान जी आज भी जीवंत रूप से हैं। हनुमान जन्मोत्सव के विषय में वर्णन किया गया है कि कार्तिक कट चतुर्दशी, चैत्र पूर्णिमा, इन दोनों दिनों को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसीलिए हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। इनका पूजन करने से सबका कल्याण होता है। उन्होंने बताया कि बेतिया हाता हनुमान मंदिर में मैं भगवान का श्रृंगार किया हूं और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हनुमान मंदिर के पुजारी आचार्य राम नारायण त्रिपाठी ने कहा, मेरा नाम राम नारायण त्रिपाठी, आचार्य राम नारायण त्रिपाठी, श्री हनुमान मंदिर बेतियाहाता गोरखपुर। ये कलयुग में सर्व प्रधान देवता हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। इस कलयुग में जन जन का कल्याण करने के लिए भगवान त्रेता में भगवान जब यहाँ से जाने लगे तब हनुमान जी उनके साथ के सभी लोग गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। यह करके कि मैं यहाँ पर रहूँगा और ये अयोध्या की और पूरे संसार की रक्षा करूँगा, इसलिए हनुमान जी आज भी जीवंत रूप से हैं, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। ये पद्म पुराण में इनके जन्म किए विषय में विशेष रूप से वर्णन आता है कि ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तथा चैत्र पूर्णिमा, ये दो को हनुमान जी का जन्म माना जाता है, परंतु चैत्र पूर्णिमा को दक्षिण भारत में विशेष रूप जन जन में यह प्रसिद्ध है, वहाँ लोग इसको विशेष रूप से मनाते हैं। अब उत्तर भारत में भी मनाते हैं, परंतु यहाँ पर दोनों को मनाते हैं लोग, इसलिए हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और इनका स्तुति या पूजन करने से भगवान सबकी कल्याण रक्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, ये हमारी स्थिति है। आज के दिन बेतियाहाता मंदिर में किस तरह का कार्यक्रम? आज बेतियाहाता से हनुमान मंदिर में भगवान का श्रृंगार किया गया और सुंदरकांड का पारायण पाठ हो रहा है तथा तो यहाँ पर सवा मन लड्डू का भोग लगाया गया है और जो कि प्रसाद वितरण करेगा। 6:30 बजे आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, तो उसके बाद लोग अपना प्रसाद लेते रहे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। स्वच्छता व सौंदर्य का प्रतिमान बने गोरधोइया नाला, सीएम योगी ने किया गोरधोइया नाला का निरीक्षण। कहा नाले के अंतिम छोर पर बनाए छोटा तालाब व वाटर स्पोर्ट्स बॉडी, नाले में कूड़ा न फेंकने के लिए नागरिकों को किया जाए जागरूक। नाले के दोनों किनारे पर बोल्डर पिचिंग व दोनों तरफ बनने वाली सड़क पर पौधारोपण कराने के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के ऊपर एटीएस ने लगाया यूएपीए। मुर्तजा को एटीएस ने शनिवार को रिमांड खत्म होने के बाद गोरखपुर कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने मुर्तजा अब्बासी को भेजा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल। कोर्ट ने केस को लखनऊ एनआईए कोर्ट में किया ट्रांसफर। अब एनआईए मुर्तजा केस की करेगी जाँच व एनआईए कोर्ट करेगी सुनवाई।
सत्र से शुरू हो जाएगी गोरखपुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई। सैनिक स्कूल के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कहा, निर्धारित समय सीमा मार्च 2023 तक हर हाल में पूर्ण करें निर्माण। दिए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रही सरकार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद महासमागम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ज्योतिष व आयुर्वेद का है परस्पर गहरा संबंध। आयुर्वेद व ज्योतिष के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने को खोले जा रहे हैं नए संस्थान। गोकसी के लिए ले जा रहे 27 गौवंश को चौरी चौरा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया बरामद। मुठभेड़ में अभियुक्त हुआ गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। अंतरजनपदीय मोबाइल पर्स चैन लूट करने वाले दो शातिर लुटेरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 6 मोबाइल, मंगलसूत्र व लॉकेट किया बरामद। सीओ कैंट ने किया खुलासा। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए पुलिस व भूमि विवाद से संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर एक हफ्ते में निस्तारण के दिए गए निर्देश। महिलाओं में जागरूकता के लिए मिशन शक्ति अभियान के चौथे फेज के तहत एसपी क्राइम की अध्यक्षता में एक मॉल में कार्यक्रम आयोजित कर डायल 112 वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में महिलाओं को दी गई विस्तृत जानकारी। साइबर क्राइम से बचाव के लिए किया गया सतर्क। कायस्थ विकास परिषद के तत्वाधान में निकाली गई भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, चैत्र पूर्णिमा के दिन पूरे हिंदुस्तान में निकाली जाती है भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा। नगर निगम के कार्यकारिणी समिति की 20वीं व 21वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया नगर निगम का पुनरीक्षित बजट। सर्वसम्मति से आगामी नगर निगम के सदन की बैठक में प्रस्ताव प्रेषित करने पर बनी सहमति। आग की वारदातों को देखते हुए फायर विभाग पूरी तरह से है सतर्क। मॉक ड्रिल कर आग से बचने के तरीके की दी जा रही है जानकारी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा, आग से बचने की सतर्कता का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में कैरियर इन काउंसलिंग की कार्यशाला का किया गया आयोजन। कहा, किस तरह से छात्र एवं छात्राएं बना सकते हैं अपना कैरियर, इस पर हुई चर्चा। और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का किया गया आयोजन। हनुमान मंदिर के पुजारी ने कहा, हनुमान जी हैं प्रत्यक्ष देवता, इनका पूजन करने से सबका होता है कल्याण। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।